लग्जरी कार्स, अमेजिंग विलास और अपनी प्राइवेट जेट फ्लीट्स, ये बहुत ही छोटे टॉयज हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंडिंग नाउ। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। नंबर 3 और नंबर 6 हमारी लिस्ट में स्पेशल एंट्रीज हैं, तो उन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हैं जिम वॉल्टन, जो 72 ईयर ओल्ड एक पर्सन है जिन्होंने अपनी सारी नेटवर्थ 55.2 बिलियन इनहेरिट करी अपने फादर सैम वॉल्टन से, और इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है दी वॉलमार्ट। नंबर 9 पर हैं माइकल ब्लूमबर्ग, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, फिलंथ्रोपिस्ट और ऑथर हैं, और ये अपनी मेजर वेल्थ कमाते हैं ब्लूमबर्ग से। 59.7 बिलियन की टोटल वर्थ के साथ नंबर 8 पर हैं स्टीव पाल्मर, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट पर्सन जो हमारी लिस्ट में है, शायद उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। ही इज द यंगेस्ट पर्सन इन आवर लिस्ट टुडे एंड हिज नेम इज मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी अर्निंग कमाई है फेसबुक से एंड ही इज ओनली 36 ईयर ओल्ड। अब बारी आती है हमारी नंबर 6 की एंट्री की, जो सबसे कमाल की एंट्री है, क्योंकि इस पर है मिस्टर एमेंसियो ओर्टिगा। मिस्टर एमेंसियो ओर्टिगा की टोटल नेटवर्थ 64.8 बिलियन डॉलर्स है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द ब्रांड ज़ारा। वही ब्रांड ज़ारा जो एक क्लोथिंग ब्रांड है। नंबर 5 पर है मिस्टर लैरी एल्सन। ही लुक्स लाइक द आयरन मैन, डोंट यू थिंक सो? लुक एट हिज पिक्चर। Now he is the owner of the Oracle company. He is the founder of that company and his total net worth is 65.8 billion dollars. Number 4 par hai hamare sabke chahete Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett, magician of Oklahoma ke naam se bhi jane jaate hain. He is 90 years old now and his total worth is 74.8 बिलियन डॉलर्स। क्या दोस्तों आपको ये पता है कि उनकी डेथ के बाद भी उनके पैसे को कैसे निवेश किया जाना चाहिए, वो भी उन्होंने अपनी विल में इंक्लूड किया है। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप गूगल पे उसके लिए सर्च कर सकते हैं और आपको उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि उनका एक एक पैसा उनकी डेथ के बाद इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। अब बारी है हमारे नंबर 3 के पर्सन की। दोस्तों शायद आपने इनका नाम पहले नहीं सुना हो, बट ये कुछ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स को बना चुके हैं जिनको आप शायद ज़रूर जानते होंगे। क्या आपने नाम सुना है टैग ह्यूअर का? ये वही ब्रांड है जिसके SRK एक ब्रांड अम्बेसडर रह चुके हैं एंड साथ में ही बुल्गारी, जो एक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है, ये इसके भी ओनर हैं और इनका नाम है मिस्टर बर्नार्ड आर्नोल्ड। इनकी टोटल नेटवर्थ 92 बिलियन डॉलर्स है। 71 इयर्स ऑफ ओल्ड हैं ये अभी, और ये बहुत सारे इंटरनेशनल लग्जरी प्रोडक्ट्स के कंपनी के ओनर हैं और इनकी फैमिली ये सारा का सारा बिजनेस खुद ही संभालती है। दोस्तों नंबर 2 पर हैं द फेमस मिस्टर बिल गेट्स। नाउ ही इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पर्सन इन द आईटी फील्ड और इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं ईयर 2020 की, तो अभी इनकी नेटवर्थ 103.4 बिलियन डॉलर्स है और माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने खुद फाउंड करी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और आज ये एक बहुत ही इंटरनेशनली नोन कंपनी है। दोस्तों बारी आती है नंबर 1 स्पॉट की, और ये
यहाँ पर नंबर वन स्पॉट पर उपस्थित है मिस्टर जेफ बेजोस। 2017 में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। अभी 2020 अप्रैल में इनकी टोटल नेटवर्थ है $126.2 बिलियन। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ये नॉर्मल लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर इन्होंने अपनी अर्निंग जीरो से स्टार्ट करी थी, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अपनी कंपनी को खोलने के बाद जब इन्होंने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि इंटरनेट पे लोग आने वाले हैं और इंटरनेट मार्केट बढ़ने वाली है, तब इन्होंने बुक्स बेचकर अपने बिजनेस को शुरू किया था। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अमेज़ॉन का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। और इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है जिससे ये सस्टेनेबल अर्निंग इनकी आ रही है और इनकी वर्थ काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारी इस लिस्ट को देखा। वी होप आपको इससे कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।